हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपने केवीएस के लिए जो है अपना मैथ का जो सिलेबस है वो अपने देख लिया होगा और बाकी आप स्टडी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कल हमने जो आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जो कि आपके मैथ के, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कल बताया था आपको जोड़ करना, तो जोड़ में हमने आपको हासिल वाले जोड़ के बारे में नहीं बताया था। तो आइए हम बात करते हैं हासिल वाले जोड़ को। सबसे पहले हम बताते हैं इकाई और दहाई क्या होता है। तो इकाई दहाई की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके पास ये संख्या है 22, तो अगर हम 22 में देखो तो इकाई का अंक आपका ये 2 होगा, 223 दे लेते हैं डायरेक्ट, 223 लिया तो ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये आपका हो जाएगा दहाई का और ये आपका हो जाएगा सैकड़े का। तो ये आपका बन जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ से आप जान जाएंगे कि ये जो इकाई दहाई सैकड़ा आपका चलता है वो टर्म चलता है पीछे से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख इसी तरह आगे चलता रहता है। तो आप यहाँ से आपको ये ज्ञात हो गया कि जो इकाई होता है ये आपका सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है, उससे सेकंड से लास्ट आपका होता है दहाई, उसके बाद आपका होता है सैकड़ा, फिर उसके बाद होता है आपका हजार। तो इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास संख्या है ये, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका यहाँ हमसे पूछा जाए कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, तो यहाँ पर 4 जो है वो आपका सैकड़े के स्थान पर आ जाए, कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये आपका बन जाएगा 4। और अगर 10,000 के स्थान पर पूछा जाए तो वहाँ पर आपका आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका आंसर, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे हासिल वाले जोड़ की, तो हासिल वाले जोड़ की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 482, इसको इसमें ऐड करना है हमको 139, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 2 आपको हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा यहाँ 1, तो हासिल 1 आ जाएगा। तो ये जो हासिल आता है वो आपका नेक्स्ट टर्न में ऐड होगा, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 8 आपका 9 हो जाएगा, 9 3 आपका 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा फिर 1, 1 1 आप 1 और 4 आपका हो जाएगा 5, 5 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 621 आ जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 782, इसमें ऐड करना है आपको 352, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा और 8 और 5 ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा आपका, हासिल 1 लगेगा, तो इसको हम नेक्स्ट टर्न में ऐड कर देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 और 7 आपका ऐड होके हो जाएगा 8, 8 3 आपका यहाँ से 11 हो जाएगा, तो यहाँ से 1134 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं गुणा, कल हमने जोड़ और घटाना का किया था, आज हम बात करेंगे गुणा की। तो गुणा की अगर हम बात करें तो जोड़ की आसान विधि होती है वही गुणा होती है आपकी, क्योंकि एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ें तो वो आगे चल के आपका गुणा का रूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यदि 3 बॉक्स हों व प्रत्येक में 5 हैज हों तो कुल कितने हैज होंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया कि 3 बॉक्स, इसको हम गुणा से भी करके देखेंगे और योग करके भी। तो जब आप जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने दिया है कि 3 बॉक्स है, 5 5 हैज रखे हुए, तो हमने लिख लिया 5 हैज प्लस 5 हैज प्लस 5 हैज, ये इक्वल टू लिखा हमने कि 5 गुणे 3, 5 हैज की बात की गई है, गुणे 3 हो गया आपका। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 5 5 10 हो जाएगा, 10 5 आपका 15 हो जाएगा, तो यहाँ से योग जो आपका 15 आ जाएगा। और अगर हम गुणे की बात करें तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 × 3 करेंगे तो 3 का पहाड़ा 5 बार या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ आपने देखा कि जो आपका आंसर है वो आपका समान आ रहा है, दोनों में आपका आंसर जो है वो 15 ही आ रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर जो है 15 आ जाएगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 123 को 5 से गुणा करें, तो यहाँ पर हमको 123 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर जब हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 × 123 को हमने तोड़ा है 100 + 20 + 3 में, ठीक है, तो यहाँ से 5 × 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा, 5 × 20 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, देन 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 500 और 100 मिला के आपका हो जाएगा यहाँ से 615 जो है इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। अगर हम ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसको शॉर्ट में और करना चाहें तो यहाँ से हम नॉर्मल, अगर हमको टेबल आती है तो हम नॉर्मल इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3
इंटू फाइव है, ये हमको सॉल्व करना है। तो 3 × 5 आपका 15 हो जाएगा, हासिल एक आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11 हो जाएगा, हासिल एक आ जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 1 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो आपका आएगा वो आपका 615 ही आएगा। आपको जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से कीजिएगा। देन बात करेंगे अगर 45 को 25 से गुणा करना है यहाँ, तो फिर लिखा 45 × 25 को हमने 25 को तोड़ लिया हमने 20 + 5 में, तो ये आपका बन गया 45 × 20 + 5। 45 × 20 किया तो ये आपका हो गया 900। फिर 45 × 5 किया तो ये आपका हो गया 225। तो 900 + 225 हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1125। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है 45 × 20 को, तो यहाँ हमने 45 × 20 को ऐसे किया है मल्टीप्लाई 45 × 20, 0 का 0 0 हो गया, क्रॉस किया, 2 × 5 = 10, हासिल लगाए, 2 × 4 = 8 = 1 = 9। तो यहाँ से आपका आ गया ये 900। अगर इस ये आपका गुणा जो है वो सिंपल तरीके एक लाइन में भी हो सकता है, 45 × 20 करेंगे, अगर 0 है लास्ट में तो पहले 2 × 5 = 10 कर लेंगे, 2 × 4 = 8 = 1 = 9 हो गया। ये 0 जो आपका जितनी बार 0 है वो आप वैसे ही उतार लीजिएगा। 45 × 5 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 × 25 = 5, हासिल लगेगा 2, 5 × 20 = 20, 2 = 22। तो यहाँ से आपका है जो 225 आ जाएगा। 900 में हम 225 ऐड करेंगे तो 900 + आपका हो जाएगा 225, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 × 2 = 9 × 2 = 11। तो यहाँ से 1125 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करना चाहें, एक ये आपका मेथड दिया हुआ है कि 45 × 25 तो 5 × 25 = 5, हासिल लगेगा 2, 5 × 20 = 22 हो गया, 2 × 5 = 10 = 0, हासिल लगेगा 1, 2 × 4 = 8 = 9। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 5 × 2 = 9 × 2 = 11। तो यहाँ से आपका 1125, यहाँ से आप देखिए दोनों में जो है आपका आंसर जो है वो आपका 1125 ही आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से कीजिएगा। देन अगर हम बात करते हैं भाग की, इसके बाद आपका भाग आता है, तो भाग जो है आपका एक बंटवारा होता है, तो जो बार बार घटाने की प्रक्रिया होती है आपका वही आपकी भाग कहलाती है। जैसे कि यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 10 पेंसिलें हैं, प्रतिदिन 5 पेंसिलें निकाली जाए तो बॉक्स में कितने, तो बॉक्स जो है आपका वो कितने दिन में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है उसमें से 10 पेंसिल रखी है, अगर हम उस बॉक्स में से रोज़ रोज़ 5 5 पेंसिल निकाल लें तो ये बताना है हमको कि उस बॉक्स, वो बॉक्स जो है वो कितने दिन में आपका खाली हो जाएगा। तो हमने देखा कि प्रथम दिन के अंत में, मतलब पहले दिन हमने 5 जब पेंसिलें हटा ली तो मेरे पास कितने पेंसिल बचे, तो जब हम उसमें 10 में से 5 पेंसिल हटा लेंगे तो आपके पास 5 पेंसिल बचेंगी। तो हमने लिख लिया 5 पेंसिल शेष बची। उसके बाद आई बात दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन के अंत में हमारे पास 5 पेंसिल बची थी, तो 5 में फिर 5 निकल गई, तो 5 में 5 निकल गई तो आपके पास कुछ भी नहीं बची, तो मतलब 0 शेष। तो यहाँ पर इस क्रिया में हमने देखा कि हमने 5 को जो है 10 में से 2 बार घटाया, -5 - 5 यहाँ 2 बार घटाया। तो यहाँ मतलब कि है अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, 5 से भाग करेंगे 10 को तो ये आपका 2 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2, मतलब कि 2 दिन में जो है आपका वो बॉक्स पूरा खाली हो जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट आपका जैसे दिया हुआ है कि 75 रुपये को 5 बच्चों में बांटा गया है, तो बताओ प्रत्येक बच्चों को कितने रुपये मिले होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला, पहले आप ये चीज़ आप मतलब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है, जोड़ करना है कि घटाना करना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। आप जैसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 75 रुपये को 5 बच्चों में बांटा गया है। अभी हमने बताया है कि भाग का मतलब होता है बंटवारा करना, अगर किसी चीज़ का बंटवारा करना है तो उसके लिए हमको भाग का यूज करना होता है। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 / 5, क्योंकि 5 बच्चों में हमको बांटना है, तो यहाँ पर हमने कर लिया 75 को भाग दिया 5 से, तो ये आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा 5 × 5 = 5 जाएगा। यहाँ पर जैसे कि कोई आपसे, जैसे आपसे क्वेश्चन बोला है कि 2 को भाग करना है 12 से, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका
फर्स्ट डिजिट जो दिया हुआ है पहला अंक, अगर उससे भाग चला जाता है तो हम पहले उसी अंक को लेंगे, लेकिन अगर उस अंक से भाग नहीं जा रहा है तो हम दूसरे अंक को भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगी, तो दुशाहक आपका 12 हो जाएगा। तो ऐसा इस पे नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पहला अंक दिया है आपका उसका भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 5, तो यहाँ शेष बचेगा आपका 2, 7 में 5 घटाएंगे तो ये आपका 2 बचेगा। फिर उसके बाद ये 5 आपका नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 25, तो 5 से 25 से फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, 25 से 25 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो प्रत्येक बच्चों को है, यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्येक बच्चों को है जो 15-15 रुपए मिले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 15। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और बाकी जो भी टॉपिक आपको बचता है वो हम धीरे धीरे कवर कराते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।